हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और हाय, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्थ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड थोड़ी सी लंबी होने वाली है, और ये कम से कम नहीं तो शायद 30 से 40 मिनट की हो। और ये स्लाइड इसलिए लंबी है कि इसमें कॉन्सेप्चुअली मुझे कुछ बहुत कुछ सिखाना है आपको। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल, बगैर सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और सॉरी, वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की उस पर लाइक्स आए हैं। तो ये, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर इस्लाम। मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। मुझे 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एचवीएसी का। एचवीएसी में और मैंने रेडिएंट कूलिंग एंड हीटिंग की एक बुक्स भी लिखी है। अब आइए एयर कंडीशंस के बारे में जानते हैं। तो ये स्लाइड्स देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है, जो मैं थोड़ा सा, ये स्लाइड्स देख लीजिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ फ्रेशिंग एयर इन एन इंटरनल इन्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड क्लीननेस एंड एयर मोशंस। सो प्रीवियसली आई गॉट मैसेज एंड इन व्हाट्सएप एंड लॉट ऑफ पर्सन मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड दे टोल्ड मी लाइक सर वाई आर नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स इन इंग्लिश। सो डियर, आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेज एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूँ। और मैं अलग से दो वीडियोज़, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेकिंग द टू वीडियोज़ ऑन द सेम टॉपिक इन वन लैंग्वेज इज़ इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज हिंदी। सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेज इन माई ऑल वीडियोज़। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो अगर मैं जो चीज़ इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसमें आप समझ जाएँ। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं इंटरनल एयर को, इन्वायरमेंट के जो इंटरनल एयर है हमारे, और उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड क्लीननेस एंड एयर मोशंस को मेंटेन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा एक रूम, इसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। आप एक बार स्लाइड्स देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस वजह से। इसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक। अब इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, फ्रेश करना है, फ्रेश करना है। इस इंटरनल इन्वायरमेंट को हमें फ्रेश करना है, ठीक है, और मेंटेन करना है क्या इसमें, इसके अंदर मेंटेन करना है मुझे टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और इसके अंदर एक ह्यूमिडिटी, जो मेरे पिछले स्लाइड्स में जो मैंने बताया है, ह्यूमिडिटी लगभग 55% होती है, कहीं कहीं पे 50% भी लेते हैं। ह्यूमिडिटी 55% को मेंटेन करना है, प्लस एयर को क्लीन भी करना है, और इसके अंदर एयर का मोशंस भी करना है। एयर मोशंस भी होता है, मैं बताऊंगा, एयर फ्लो रेट्स भी होते हैं, और कितना फ्लो रेट्स होना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तब हम बोलते हैं उसको एयर कंडीशनिंग। तो आज की वीडियो सच में थोड़ी लंबी होने वाली है, तो ये पूरा प्रोसेस होगा तभी हम उसको कहेंगे एयर कंडीशनिंग। तो ये सारी चीज़ें इस स्लाइड्स के अंदर बताई गई हैं। सो उस स्लाइड्स को पाउज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। सो एवरीथिंग इज आई हैव डिस्कस वॉट एवर आई हैव डिस्कस इज इट दिस इज ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द माई फर्स्ट स्लाइड्स। सो यू हैव टू चेक इट and I have already explained all these things in English and there is nothing worried about that. I have explained in English, you can write. And another slide I am going to, and firstly आप देख लीजिए यहाँ पे। So this is the another slide and here the component of air condition we are going to discuss, and the components are कंप्रेसर, ओके, कंप्रेसर, कंडेंसर,
मैटरिंग डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिलरीज एंड एक्सपेंशन वॉल्व, रिसीवर एंड ड्रायर एंड एवेपरेटर. सो देर इज़ अ, इसके अंदर हम कितने कंपोनेंट्स होते हैं एयर कंडीशन के अंदर, ये सारे डिस्कस किया है, जिसमें कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एवेपरेटर है, मैटरिंग डिवाइस है, रिसीवर है एंड ड्रायर है. सो दिस इज ऑनली अ कंपोनेंट ऑफ द एच वी ए सी एयर कंडीशन. एंड लेट द अनदर स्लाइड्स. ओके, हियर वी आर गो. सो लेट मी एक्सप्लेन इंग्लिश हेयर एंड अगेन मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को. द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम 32 फारेनहाइट और 0 डिग्री इन अ डे फॉर 24 आवर्स इज कॉल्ड द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. बाई मिस्टेक 1 टन ऑफ आइस विच वी मेजर कम टू 2000 LB. ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ठीक है, या 1 TR क्या होता है. ये है एक रूम, ठीक है. कूलिंग इफेक्ट जब 1 टन आइस को बाय मिस्टेक 1 टन आइस को 2000 पाउंड ले लिया गया था, जब मेज़र किया गया तो वो 2000 पाउंड निकला था, बल्कि 1000 पाउंड होना चाहिए था, लेकिन वो 2000 पाउंड निकला, ठीक है. तो जब एक आइस को रख दिया गया 1 टन आइस को रूम में, ठीक है, और 24 घंटे को तक छोड़ दिया गया, और जो उस कूलिंग मिली मुझे उसको कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. जब हमने देखा तो 1 टन जब उस आइस को नापा गया तो उसको मालूम पड़ा कि 2000 पाउंड्स का वो आइस था, ठीक है. तो आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा, देख लीजिए यहाँ पे. ये वाली स्लाइड्स नहीं है, यहाँ ये वाली स्लाइड्स है. ये मैंने स्लाइड समझा दी है, ठीक है. अब इसके आगे वाली स्लाइड्स चलते हैं. ये स्लाइड्स आप देख लीजिए और ये जो मैं इसको आगे यहाँ पे लिख के बताऊँगा, ठीक है, ये स्लाइड्स आप देख लीजिए, ये आपके लिए है. अब मैं इसको समझा देता हूँ स्लाइड्स को. ये स्लाइड थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, सो बी पेशेंस. 2x में देख लीजिएगा. मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा समझा देना चाहिए, उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा आदमी. अलग स्लाइड से बनाने से अच्छा है कि एक ही स्लाइड में इसको आप समझा दीजिए. तो प्लीज़ मैं ये आपसे ये भी कहता हूँ, इस स्लाइड्स को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दे दीजिएगा. अब आते हैं समझने के लिए. तो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, लैटेंट हीट जो है, ठीक है, मेल्टिंग आइस, आइस की जो मेल्टिंग होती है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, जो लैटेंट हीट है, ठीक है, लैटेंट हीट, ये क्या हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये मेल्टिंग लिख दिया मैंने आइस का, इसका जो वैल्यू होता है 144 BTU पर LB पाउंड्स. अब इसको कैसे क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ. अब देखिए एक यूनिट होती है, उस यूनिट को कहते हैं FPS. इसका मतलब फूट पाउंड सेकेंड, फूट पाउंड सेकेंड, ये मेजरिंग यूनिट है जिसमें हम लेंथ को फुट से मेज़र करते हैं कि वेट को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में. उस यूनिट में हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है. वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब फुट जो है उसके अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि मास को हम लेते हैं, जो मास था मेरा पाउंड्स में था, तो 2000 ले लिया मैंने मास. और जो मेरा लैटेंट हीट था, ये लैटेंट जो हीट है मेरे आइस का, वो है तो 144 BTU
पर पाउंड्स, ठीक है। तो BTU पर पाउंड से, अब इस पाउंड्स को हम क्या करते हैं कि ये LB से LB कट जाएगा, यहाँ पर भी LB था, पाउंड्स से पाउंड्स कट गया, तो ये हमारे पास आया, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 288000 BTU पर डे आ गया, ठीक है। ठीक है, पर डे आ गया। अब क्या करना है आपको, हमें निकालना है 24 घंटे, 1 TR निकालना है, तो 1 TR मतलब 24 घंटे में, तो हम इस डे को 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम 24 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1200 BTU पर आर, ठीक है। तो इस तरह से आता है 1200 BTU पर आर। तो मुझे लगता है कि आज से आप रटेंगे नहीं इस बात को, कॉन्सेप्चुअली आपको पता हो गया कि आज BTU पर आर, 1200 BTU पर आर कैसे आता है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मैं दूसरा स्लाइस ले लेता हूँ। अब आपको सेकंड स्लाइड्स मुझे समझाना है, ये हो गया, ये स्लाइड्स मैंने समझा दिया है। अच्छा, अब ये स्लाइड समझाना है मुझे, ठीक है, कि 50 कैलोरी में कैसे कन्वर्टन होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसी होती है ये समझाना है, कि 1 TR की जो वैल्यू आएगी वो, एक तो आपने BTU पर आर्स देख लिया, 1200 BTU पर आर्स 1200 होता है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे किलो कैलोरी में, अब हम किलो कैलोरी में चेंज करेंगे, ठीक है, और एक कन्वर्जन है उसमें भी चेंज करेंगे आगे है, ठीक है। तो किलो कैलोरी में अब हम चेंज करने वाले हैं, चलिए किलो कैलोरी सीख लेते हैं। एक मिनट, अजान हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसे पॉज कर दूँ, पॉज होगा कि नहीं, यहाँ पे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का आ रहा है, तो अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा अजान सुन ही लेते हैं, आप स्किप कर दीजिएगा यहाँ से, मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इसको स्टॉप करूँगा तो मुझे दूसरी वीडियोस बनानी पड़ेगी, तो फिलहाल थोड़ा सा पॉज का कोई ऑप्शन नहीं है, ये फजर की अजान हो रही है।
थैंक यू दोस्त थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए। असल में मैं वीडियो सच में एडिट नहीं कर सकता हूँ, मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो अब आते हैं सेकंड स्लाइड्स पे। अब इस स्लाइड्स को समझते हैं कि अब वन टी आर जो होता है वो 50 किलो कैलोरी कैसे हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं वन के जी में, ठीक है, वन के जी में हमारे पास 2.2046 पाउंड होता है। ये पाउंड क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, पाउंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, लेकिन हमने क्या हुआ था कि जो हमने जो 2000 पाउंड लिया था, जो हमारा पाउंड था ना, वो 2000 पाउंड था, ठीक है। अब इस पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पाउंड को, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा पाउंड से इनटू केजी, ठीक है। ये पाउंड्स की जगह हमें केजी रखना है, तो 2.2046 से मुझे 46 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको इससे पहले भी स्लाइड्स में बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, लेटेंट हीट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस जो होता है वो 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है। ये कैलोरी है, ये याद रखना है आपको, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस किलो कैलोरी में 80 होता है। तो अब यहाँ पे समझिए, ये पूरी वैल्यू हमारी सीधे आ जाएगी 2. इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, इसे हम, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको लिखना पड़ेगा लगता है मुझे, जब हम इससे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलो किलो कैलोरी पर केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे मेरा केजी में कन्वर्ट होके ये आ गया था, मल्टीप्लाई बाई केजी, तो केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए 24 घंटे का, ये तो पर आर से आया मेरे पास, ठीक है। तो हमें इसे 24 घंटे से डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। जब आप 24 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू आएगी 3023.98, ये वैल्यू आई। इसको 60 से आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा मिनट में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा 50.4 किलो कैलोरी पर मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका किलो कैलोरी पर मिनट, ये पर मिनट है। तो इस तरीके से आएगा आपका, इसको अप्रॉक्सीमेटली 50 ले लेते हैं, ठीक है, ये 50 ही है। तो यहाँ से कन्वर्ट करके किलो कैलोरी में हम लाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका किलो कैलोरी वाला। अब आ जाइए, ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब इसको हम किलो जूल पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे कैलोरीज था, इसके अंदर हम किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, जहाँ से मैंने इस स्लाइड्स में ये वैल्यू आई थी ना, ये वैल्यू, क्योंकि किलो जूल्स में तो मैंने निकाल ही रख, किलो कैलोरीज में निकाल रखा था, तो डायरेक्ट उसको किलो जूल्स में हम कन्वर्ट कर देंगे ना। ये वैल्यू यहाँ से लिया, यहाँ से लेने के बाद ये वैल्यू आई थी मेरे पास 3023.98 किलो कैलोरी पर आवर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, ये कॉन्सेप्चुअल। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.186 किलो जूल पर किलो कैलोरी से, जिसके वैल्यू होता है, ठीक है, और पूरे को डिवाइड करना पड़ता है सेकंड में, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, सेकंड से 36 सेकंड से हम 3600 सेकंड में आ जाएगा,
ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने 24, ये बता देता हूँ 24 × 60, ठीक है, × 60। तो 24 आवर्स को जब हम चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो ये क्या आ गया यार, 24 आवर्स को अगर हमें चेंज करना, तो एक तो 60 आवर्स में, और जब 60 को फिर मल्टीप्लाई करना है ये मिनट के बाद, फिर सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6×36 ये आ गया 3600 आ गया, सेकंड में मुझे चाहिए था, तो ये आवर्स में निकला था मेरा वैल्यू, ठीक है। तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा मिनट में आया, फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में आ गया। तो जब मैंने वैल्यू सारा डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पे 3.5168 आएगा, जो आएगा किलो जूल पर सेकंड में। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी किलो जूल पर सेकंड में। अब मिनट में अगर आपको वहाँ पे मिनट में चाहिए, तो 2111 किलो जूल पर मिनट में आएगी ये वैल्यू। तो हम नॉर्मली 3.5 लेते हैं, ठीक है, हम यहीं तक की वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे स्लाइड्स थोड़ी सी लंबी हो गई, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। रटने से अच्छा है ना कि कभी कन्वर्जन आ जाए, या कहीं के इंटरव्यू में जाते हैं आप तो कहेंगे भाई कन्वर्ट करके दिखाओ, तो वैल्यू अगर याद रहेगी तो आपको कन्वर्ट तो कर ही लोगे आप, ठीक है। तो ये बहुत, ये पूरी कन्वर्जन एक ही वीडियो में आ सकता था, और बीच में अजान हो गई, सुबह में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, तो मैं स्टॉप नहीं कर सकता था, अलग से वीडियोस नहीं बना सकता था। तो उसके लिए आपको कॉपरेशन चाहिए, वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें इस वीडियोस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।